हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम आईडिया 51 में। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2023 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो फिलहाल दोस्तों बता दें आपको, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला दोस्तों क्वेश्चन देख रहे होंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है। आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, नगर पंचायत, जिला परिषद एंड इसके बाद दोस्तों सी ऑप्शन दिया गया है नगर परिषद और डी ऑप्शन है नगर निगम। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद। ओके, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देते हैं। पहला दोस्तों है 1853 चार्टर अधिनियम, बी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 एंड फोर्थ ऑप्शन दोस्तों है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, भारतीय परिषद अधिनियम 1992। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अठारह सौ बानवे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है दोस्तों, संप्रभुता, सरकार क्षेत्र, ये सभी। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर या फिर दोस्तों कैबिनेट मिशन। और इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहला दोस्तों ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सूचना का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है भाषण का अधिकार, चौथा ऑप्शन है जीवन का अधिकार। और राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सूचना का अधिकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया दोस्तों, बी आर अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है दोस्तों, चतुर्थ, चतुर्थ ए, चतुर्थ बी या फिर बी दोस्तों। ठीक है, और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा चतुर्थ ए, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को कितने महीने भीतर भरा जाना चाहिए। आपको बताना दोस्तों कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को कितने महीने के भीतर भरा जाना चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर दोस्तों 1 महीने। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं, चोकला, पूगल, नाली या फिर मगर दोस्तों। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोकला को। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH1, NH8, NH44 या फिर दोस्तों NH11। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा है, NH44। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी या फिर गोदावरी को। और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गोदावरी को। अगला प्रश्न, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है, लूनी, व्यास, कृष्णा, नर्मदा। और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा लूनी, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार, काम करने का अधिकार। और दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तमिलनाडु को, केरल को, कर्नाटक को या फिर दोस्तों गुजरात को। और सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, केरल को। आगे प्रश्न जो हमारा है दोस्तों पूछ रहा है, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, अमेरिका, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ। और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सोवियत संघ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क को या फिर दोस्तों पुष्यमित्र को। और सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बोमेश चंद्र बनर्जी एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एमपी रनाडे। और सही दोस्तों आंसर हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? 2010 में, 2014 में, 2018 में या फिर दोस्तों 2006 में। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2010 में। अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। और राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कंचनजंगा पर्वत चोटी किस चोटी कहां पर स्थित है? नेपाल भारत, नेपाल तिब्बत, नेपाल या फिर दोस्तों भारत। और सही आंसर हो जाएगा भारत में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप या फिर कांडला। और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कांडला। आगे प्रश्न देखते हैं, उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1962 में, 1965 में, 1969 में, 1972 में। और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1969 में हुई थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बेंगलोर में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोचीन को, सूरत को। सही आंसर हो जाएगा कोचीन को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर। और कौन कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था दोस्तों? और इसका सही आंसर हो जाएगा बताइए, कन्नौज का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध या फिर दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध या फिर चंदावर का युद्ध। और सही आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध, ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास का अंतिम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ओके, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। और सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई होप आपको क्लास दोस्तों अच्छी लगी होगी। और कुछ क्लासेस आपको और बता दें कि कुछ क्लासेस और भी है दोस्तों, मैं बता दूं जीके जीएस से रिलेटेड, जो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अब तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। बाकी दोस्तों बात रही इसके और भी क्लासेस की, तो फिलहाल और भी क्लासेस आपको तुरंत ही मिलेंगी। ओके, तब तक थैंक यू, शुक्रिया एंड धन्यवाद आप सभी का।